हम बात कर रहे हैं इजी ट्रिप की। अगर आज के दिन की बात करें तो 4% के ऊपर के अपसाइड के साथ हमको इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। और इससे पहले वीडियो में हम लगातार डिस्कस करते आ रहे थे कि 37 का लेवल इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ से हमको कभी भी किसी भी एक वक्त एक बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। और कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, यहाँ हमको एक जंप देखने के लिए मिल सकता है। और आज की डेट में हमको और हमने कहा था कि 40 के लेवल पर हमको नज़र रखना है, और आज के दिन हमको 40 का लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक ने 40 रुपीज़ 10 पैसे पे हमको क्लोजिंग बताई है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब हमारे लिए पॉजिटिव बात रहेगी, पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। हमने कहा था कि 40 का लेवल एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ किसी भी वक्त हमको जंप देखने के लिए मिल सकता है, एक बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा डिस्कस हमने पहली वीडियो में कहा था, किया था। और स्टॉक अपने 40 के 40 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। तो ऐसी सूरत में हमको और अपसाइड देखने के लिए मिल सकते हैं, यहाँ और हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। बात करें आप सपोर्ट लेवल की, इमीडिएट सपोर्ट 40 का, जिसको आप आज की डेट में ब्रेकआउट दिया है, अगर इसको आप ब्रेक डाउन करना मुश्किल है, यहाँ से आप हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। अगर टारगेट की बात करें तो ये जो इसका लेवल है 44 का लेवल इमीडिएट टारगेट रहेगा है। अभी हमको जल्दी इसमें शॉर्ट टर्म में 44 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं।